आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास टुंडी के पूर्व विधायक दिवंगत राजकिशोर महतो के परिजनों से मिलने बुधवार को पहुंचे धनबाद। इस दौरान रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री गांधी सेवा सदन स्थित प्रेस क्लब परिसर पहुंचे व पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम भले ही चुनाव हार गए पर वोट का प्रतिशत काफी अच्छा रहा। उसी प्रकार बेरमो और दुमका में पिछले महीने संपन्न हुए उपचुनाव में भी हमारे प्रत्याशियों को बहुत कम वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। ये आंकड़े यह बताते हैं कि झूठ की बुनियाद पर बनी हेमंत चंद की सरकार बनाई। वह 12 महीने के अंदर ही घटती लोकप्रियता ने यह साबित कर दिया कि जनता वर्तमान सरकार से नाखुश है। वहीं पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वहां की जनता ममता दीदी की आतंक से त्रस्त है और मुक्ति चाहती है। इस बार ममता बनर्जी का जाना तय है और निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में इस बार कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज और बंगाली समाज दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे हैं। मैं वहां के कार्यकर्ताओं का साधुवाद व आभार जताना चाहूंगा कि वे लगातार ममता दीदी के आतंक के सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब तक 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है और कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका फल निश्चित तौर पर मिलेगा और आगामी विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। धनबाद से अजित कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी का आतंक का शासन, उससे पश्चिम बंगाल की जनता पर भी चल रहा है और स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल में इस बार कमल तो फूल खिलेगा। क्या रणनीति रही है? अब रणनीति आपके समक्ष थोड़ी चर्चा होगी। बिहार में आप लोगों ने ऑलरेडी पार्टी, आप देख रहे हैं विगत कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में हमारे जो प्रभारी है कैलाश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी लगातार पश्चिम बंगाल में प्रवास कर रहे हैं और मैं पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 100 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता सही उस आतंक पश्चिम बंगाल को तो निश्चित रूप से ये बलिदान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा देश के लिए बलिदान देने वाले हैं। उस बलिदान का फल निश्चित रूप से और आज वहाँ पश्चिम बंगाल में जो हिंदू समाज आज दोयम दर्जे का है, वहाँ बंगाली समाज और दोयम दर्जे आ गया, उससे मुक्ति चाहिए।